ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को सेंटोस और ग्रेमियो के बीच फुटबॉल लीग मैच में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। बिना टीकाकरण वाले समर्थकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। यही कारण है कि राष्ट्रपति मैच नहीं देख सके, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। नेपाल के उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री गजेंद्र बहादुर हमाल ने नियुक्ति पर विवाद के कारण मंत्रिमंडल में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के 48 घंटे बाद ही रविवार को इस्तीफा दे दिया। हमाल ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर दाऊबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने 2 दिवसीय भारत दौरे के बाद पाकिस्तान का दौरा पूरा कर लिया है। पाकिस्तान में वेंडी शर्मन का एक बयान काफी चर्चाओं में है। वेंडी शर्मन ने भारत के दूसरे दिन मुंबई में कहा था कि हम अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का व्यापक संबंध नहीं देखते। भारत और पाकिस्तान को जोड़कर देखने के पुराने दिनों में लौटने का हमारा कोई इरादा नहीं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत दोनों देशों के बीच दिसंबर 2018 के वीजा के छूट समझौते को बहाल करने पर सहमत हो गया है। इसके तहत मालदीव के लोगों को भारत यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अफगानिस्तान में 2021 में तत्काल कार्रवाई के बिना अनुमानित तौर पर 10 लाख बच्चों के गंभीर कुपोषण से पीड़ित होने का अनुमान है। अफगानिस्तान की यात्रा समाप्त करने के बाद यूनिसेफ के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। उन्हें यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी। तालिबान ने पूर्वी खोस प्रांत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया। प्रांत के संस्कृति एवं सूचना निदेशालय प्रमुख शब्बीर अहमद उस्मानी के हवाले से प्रकाशित हुई रिपोर्ट में शिनहुआ ने कहा कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने हाल ही के दिनों में खोस्त शहर से आईएस के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी OCH ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हजारों लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार बागलान और कुंदूज प्रांत में अस्पताल भी खोले गए हैं, लेकिन दवाओं की किल्लत के कारण उनका सही से संचालन नहीं हो पा रहा। तालिबान की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहा अफगानिस्तान का एकमात्र स्पोर्ट्स चैनल भी अब बंद हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी प्रतिबंधों के अलावा अफगानिस्तान की आर्थिक खस्ताहाली भी चैनल बंद होने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा कि अब तालिबान को उसके बयानों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से आंका जाएगा। अफगानिस्तान में छात्राओं ने 2 माह बाद फिर स्कूल जाना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रमुख जलील सैयद खीली ने बताया कि कुंदूज, बल्ख और सरे पुल प्रांतों में छात्राओं के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के स्कूल अलग कर दिए गए। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के लगातार हमलों से घबराए चीन और पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का हब बनाने की योजना को अब त्याग दिया है। बुलेट ट्रेन भले ही दुनिया में विकास का पैमाना बन गई हो, लेकिन एक शोध का ये दावा है कि पश्चिमी चीन के जिन कस्बों और शहरों में हाई स्पीड रेल पहुंची है, वहां रातों में उजाले की बजाय अंधेरा बढ़ने लगा है और आर्थिक गतिविधियां थम रही हैं। इसराइल ने एक बार फिर सीरिया पर हवाई हमला किया है, जिसमें 2 विदेशी लड़ाके मारे गए हैं। इस हमले में 6 सीरियाई सैनिकों के घायल होने की खबर है। ब्रिटेन के वॉर मॉनिटर के मुताबिक इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे, हालांकि मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से शुरू की गई चंद्रमा की जांच के अंतर्गत चांग-E5 मिशन में 40 से भी अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की ज्वालामुखीय चट्टान के पहले ताजा नमूने लाए गए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की शान में कसीदे गढ़ने वाले पाकिस्तान ने हमेशा कट्टरपंथी संगठन का समर्थन किया और अब इमरान खान अपने देश पाकिस्तान में तालिबान की तरह ही
शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर इमरान ने रहमतुल लील आलमीन अथॉरिटी के गठन का ऐलान किया। भारतीय नौसेना की मेजबानी में होने वाले दूसरे चरण के वार्षिक मालाबार युद्ध अभ्यास में इस बार परमाणु हथियार से लैस अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत कार्ल विंसन भी भाग लेगा। ये पहली बार होगा जब अमेरिका का विमान वाहक पोत इस नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। कोयले की कमी के कारण रायबरेली के उच्चाहार स्थित एनटीपीसी की दूसरी इकाई को बंद करना पड़ा। हालांकि प्रबंधन इसके पीछे मरम्मत कार्य की बात कर रहा है। इससे यहां से बिजली पाने वाले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। तेलंगाना और उत्तराखंड में अदालत की मोबाइल इकाइयां शुरू हो गई हैं। महिलाओं और बच्चों सहित गवाहों तथा पीड़ितों को उन परिस्थितियों में साक्ष्य रिकॉर्ड करने की सुविधा देने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें व्यक्तिगत रूप से अदालतों के समक्ष पेश होने से में असमर्थ लोगों को इससे लाभ मिलेगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को कहा कि केरल की कुल आबादी के लगभग 12.8% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिनके लिए उन्हें वैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इसमें से सिर्फ 15% लोग ही वैज्ञानिक उपचार चाहते हैं। भारत ने आजादी के बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, जहां देश में 2,00,000 सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 750 जिला अस्पतालों और 550 मेडिकल कॉलेजों का विस्तृत नेटवर्क जरूर है। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 15 से 20 गुना हो चुकी है। भारत में प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों की दुनिया भर में मांग। 2 अलग-अलग घटनाओं में कुल 7 छात्र लापता हो गए हैं। पुलिस ने सोमवार को बताया है कि बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा समेत कुल 7 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। उनके घरों से बरामद पत्रों के अनुसार पुलिस ने कहा कि किशोरों ने घर छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देशभर के मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। ऐसे में कुछ जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हो रहा है। कई जगह लोग मास्क पहने हुए नजर नहीं आए। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जमीन खो रही अनाद्रमुक को फिर से खड़ा करने के लिए दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की वफादार और पार्टी की पूर्व महासचिव शशिकला ने कमर कस ली है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही राजनीति में दोबारा कदम रखने की घोषणा से सभी को चौंका दिया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। फल सब्जी से लेकर कई दुकानें बंद कर दी गई है और कई इलाके से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। देश में कोरोना महामारी का कहर अब पहले से काफी कम हो चुका है। देश में लगातार 4th दिन कोरोना के मामले घटे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,000 मामले सामने आए हैं। इनमें से 200 से कम लोगों की मौत हुई। करेरा में थ्रेशर की चपेट में आने से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना सिरसोना गांव की है, जहां युवती खेत में काम कर रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी परिजन ने डायल 100 को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी। पृथ्वीपुर में SDOP संतोष पटेल ने 6 साल से गुम मासूम को उसके पिता को सौंपकर मानवता दिखाई। निरीक्षण के वक्त संतोष पटेल को एक मासूम मिला। पूछताछ में पता चला कि वह मौसी के घर पर रहता था और मौसी के डांटने पर घर से भाग गया था। बेटे के मिलने पर पिता प्रमोद केवट ने SDOP को धन्यवाद कहा। आगरमालवा के नलखेड़ा में नवरात्रि में पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि पर्व पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बद्दी में नवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह भव्य झांकियां सजाई गई है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है। सलकनपुर स्थित मां विजयस्नान धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है।
मोटेगांव में नवरात्रि के अवसर पर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी ने दलबल के साथ नगर का निरीक्षण किया और मौजूद जवानों को व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्गा पंडालों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए। तार वाले बालाजी मंदिर मुंगावली में मां जागेश्वरी मंदिर चंदेरी के लिए चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चुनरी यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। आपको बता दें कि नवरात्रि में जागेश्वरी मंदिर में हर दिन हजारों लोग दर्शन करके मन्नतें मांग रहे हैं। भोपाल में नगर निगम के कचला प्लांट की गाड़ियों के वाहन चालक हड़ताल पर है। जोन 18 बाबा नगर प्लॉट के वाहन चालक से प्राइवेट कर्मचारियों ने मारपीट की थी, जिसके विरोध में वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी। वाहन चालकों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं होगी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। भोपाल में नवरात्रि के पावन पर्व के बीच पुलिस ने झांकी स्थलों पर FIR दर्ज करना शुरू कर दिया। रविवार को विट्ठल मार्केट इलाके में लगी झांकी पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। आयोजकों ने गृहमंत्री से मिलकर झांकियों को दशहरे तक छूट दी और छूट दिए जाने की मांग की है। वही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यवाही पर नाराजगी जताई है, साथ ही उन्होंने झांकी स्थलों पर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लखीमपुर घटना को लेकर कांग्रेस के देशव्यापी मौन धरना प्रदर्शन पर तंज कसा और कहा कि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा है। महंगाई को महामारी बताए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस गरीबी की बजाय गरीबों को हटाती है। चुनाव आयोग में की गई शिकायत को उन्होंने कांग्रेस की हार की खींच बताया। नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। दुर्गा उत्सव समिति के विरोध के बाद दुर्गा पंडाल फिर से रोशन हो गए। दरअसल प्रशासन ने पंडालों में लाइट सज्जा की अनुमति नहीं दी थी। विरोध की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाई और मामले को सुलझाया। इंदौर पुलिस ने महामारी के दौरान दादी और पिता को खो चुकी 5 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाकर उसे खुशी देने की कोशिश की। हीरानगर के सुखलिया में रहने वाली जीविका से कोरोना में पिता और दादी को छीन लिया और इस बात का पता थाना प्रभारी को चला तो उन्होंने उसके छोटे भाई और दादा के साथ थाने में ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। मुरैना जिले में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरा मामला मुरैना शहर के उत्तमपुरा नई बस्ती में रहने वाले 40 वर्षीय राकेश यादव की बेटी मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने गई और रात 9 बजे घर पहुंची। घर आने में देरी करने को लेकर गुस्साए पिता ने बेटी की डंडी से पिटाई की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा के CCF महेंद्र सिंह सिसोदिया और बुरहानपुर के DFO प्रदीप मिश्र ने नेपरअगर वन परिक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्या भी जानी। CCF ने SDO दिनेश यादव को ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा कर उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। सलकनपुर की विजयसेन देवी के दर्शन के लिए मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है, लेकिन PWD विभाग की लापरवाही के कारण भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधनी से सलकनपुर रोड पर घंटों जाम की स्थिति बनी हुई है। PWD विभाग की उदासीनता के कारण रोड के साइड की पटरी का समतलीकरण नहीं हुआ, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। राजधानी भोपाल में 700 से अधिक स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाकर माता रानी की स्थापना हो गई है। इन दुर्गा पंडालों में तरह तरह के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये चित्र माता मंदिर स्थित जागृति दुर्गा मंदिर उत्सव समिति ने प्रस्तुत किया। समिति ने इस बार मूर्ति से कोरोना काल के दौरान आई मुश्किलों और NRC के बाद दिल्ली से पलायन की स्थिति को बयान किया। राजनांदगांव के बमनीडीह के BJP पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रथम कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान सक्ती विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दुर्ग संभाग के प्रभारी डॉक्टर खिलावन साहू ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। बैठक में प्रमुख रूप से मोर्चे के प्रदेश सह प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंगेल, प्रदेश उपाध्यक्ष खिलावन साहू पहुंचे थे। बलरामपुर जिले के बाड्रफ नगर में गौ रक्षकों ने भैंसों से भरा एक ट्रक पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार भैंसों से भरा यह ट्रक भूचड़खाने बनासर से लाया जा रहा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। रायपुर में आंदोलन कर रहे कोरोना योद्धा को धरनास्थल पर जहरीले सांप ने काट लिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना रात की बताई जा रही है, जब शख्स सो रहा था। आपको बता दें कि कोरोना योद्धा सेवा वृद्धि की मांग को लेकर 50 दिनों से आंदोलन हो रहा है।
राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पंचमी पर भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा प्राचीन दुर्गा मंदिर से निकाली गई और नगर भ्रमण करते हुए माँ बम्लेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां सभी ने माता को भव्य चुनरी चढ़ाई। शहर के हर चौक पर माता की चुनरी का भव्य स्वागत किया गया। बिजनौर पुलिस ने गौमांस के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुहागपुरा कब्रिस्तान की झाड़ियों से घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 20 किलो गौवंशीय मीट, दो छुरे सहित अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर में एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पैदल मार्च निकाला। कानून व्यवस्था व क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल ने ये पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया और व्यापारियों को भी समझाइश दी गई। लखीमपुर में तहसीलदार प्रज्ञा अग्निहोत्री दुर्गा वाहिनी की तरफ से आयोजित दुर्गा अष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिलाओं को संबोधित किया और कहा कि नारी शक्ति अपने हकों को पहचान ले तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लखीमपुर में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी नेताओं को इंसाफ दिलाए जाने की बात करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जिला अधिकारी से मिलकर घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। लखीमपुर के बनवारीपुर हिंसा में किसानों की मौत के बाद उपजे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने अंबेडकर पार्क में धरना दिया। इस दौरान भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी ने कहा कि जब तक शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा और श्याम सुंदर को न्याय नहीं मिलता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के कलंब में स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में हर 12 साल में गंगा जी प्रकट होती है। चतुर्थी के दिन प्रकट होने के बाद माँ गंगा महज 15 दिन के भीतर भगवान गणेश के चरण स्पर्श कर लुप्त हो जाती है। मान्यता है कि श्राप से मुक्ति के लिए इंद्रदेव ने कंदव वृक्ष के नीचे गणेश जी की तपस्या की थी और तब गणेश जी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया।